The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, चाइना में वुहान में कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी और अब वहां कहा जा रहा है कि वहां सेकेंड वेव आ रही है और शुरुआत हो चुकी है, आगे क्या होगा पता नहीं। सो आप लोगों को सेकेंड वेव के बारे में हम थोड़ी जानकारी देना चाहते हैं। सेकेंड वेव क्या होती है उसको जानने के लिए, समझने के लिए हम थोड़ा सा बैक में जाएंगे, पास्ट में जाएंगे। पास्ट में यानी 1918 में स्पैनिश फ्लू नाम की बीमारी आई थी, जब पहली बार H1N1 स्वाइन फ्लू आया था। H1N1 स्वाइन फ्लू जो आया था वो आज भी है, तो उसका जो शुरुआत हुई थी वो बिल्कुल COVID-19 के जैसी हुई थी। स्पैनिश फ्लू वायरस जिसने उस समय 1918 में 500 मिलियन पीपल को इन्फेक्ट किया था और 20 से 50 मिलियन लोगों की जान ली थी। छोटी बात नहीं है ये। उसमें पहले एक फर्स्ट वेव आई थी 1918 में, फिर सेकेंड वेव आई थी उसी साल 1918 में कुछ समय फॉल में, और फिर विंटर में एक और वेव आई थी 1918 में। सो 1918 में ही ये सारा बहुत खतरनाक ग्लोबल पैंडेमिक हुआ था, जो 2 साल चला था ये आपका स्वाइन फ्लू का। सो भैया, ये बहुत क्रूअल चीज थी जो उस समय हुई थी, उसको थोड़ा समझेंगे तो शायद इस बार हम थोड़ा अपने लिए प्रिपेयर्ड रह सकते हैं। स्वाइन फ्लू पहली बार हुआ था मार्च 1918 में, और वो भी ऐसे ही फैला था जिसमें पहले आर्मी में फैला था, 50,000 लोगों को फैल गया था और पहली बार वो 1,000 लोगों तक फैल के ख़त्म हो गया। फर्स्ट वेव जो थी वो करीब करीब ऐसे थी, मतलब कुछ समय तक चली थी। फर्स्ट वेव बहुत ज़्यादा डेडली नहीं थी, उसमें फीवर आता था, बॉडी में मैलेज होता था, 3 दिन थोड़ा बुखार होके थोड़े बहुत लोगों की जान जाती थी। लेकिन सेकेंड वेव जब अगस्त में आई 1918 में, तो मिलिट्री में और दूसरे ट्रूप्स में, यहाँ तक के यूनाइटेड स्टेट के बॉस्टन, अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका, पूरे दुनिया में धीरे धीरे करके फैल गई। और सेकेंड वेव जो थी वो क्यों आई थी, क्योंकि वो H1N1 का वो जो वायरस था वो म्यूटेट कर गया था, वो म्यूटेट करके और ज़्यादा डेंजरस हो गया था। सेकेंड वेव वो और डेंजरस हो गया था और पूरा का पूरा मिलिट्री कॉम्प्लेक्स वो इतने ज़्यादा तरीके से अफेक्ट हो गए थे कि बहुत ज़्यादा लोगों की जान गई, डेथ रेट जो था वो सीधा आसमान चढ़ गया था, स्काई रॉकेट हो गया था। अकेले यूनाइटेड स्टेट्स में 1,95,000 अमेरिकन्स की जान गई थी सिर्फ एक महीने में। करीब 2,00,000 अमेरिकन्स की जान गई थी सिर्फ एक महीने में, अक्टूबर में, इतना ज़्यादा। इसमें उस वायरस ने, चाहे यंग हो, ओल्ड हो, इन बिटवीन हो, किसी भी उम्र के सब लोगों की जान ली थी। हाई नंबर ऑफ डेथ था उस समय स्वाइन फ्लू का, आप अगर देखेंगे इट वॉज वेरी स्कैरी, और ये शॉकिंग भी था, स्कैरी भी था। वहाँ पर जो दिक्कतें होती थी मेनली, वहाँ पर अगेन निमोनिया, नाक से हिमोरेजिंग और छाती में निमोनिया, फ्लूइड फिल लंग्स में, और साइटोकाइन स्टॉर्म जिसकी अभी भी बात हो रही है, साइटोकाइन स्टॉर्म जो कोरोना वायरस में भी होता है। और ह्यूमन बॉडी को जब भी अटैक होता है उसकी इम्यून सिस्टम साइटोकाइंस प्रोड्यूस करती है, और कई बार बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करके हमारे ही सिस्टम को जान ले जाती है। उस समय लेकिन कोई क्वारंटाइन सिस्टम नहीं था, कोई लॉकडाउन नहीं था, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। तो क्वारंटाइन अगर वहाँ पर सही से होता तो, या समय पे शुरू होता तो ज़्यादा बेहतर होता, तब इतना ज़्यादा खतरनाक तरीके से वो नहीं फैलता। याद रखिए, उस समय इस पर्टिकुलर वायरस का थर्ड वेव भी आया था। सेकेंड के बाद थर्ड मॉर्टेलिटी रेट थर्ड वेव में भी अच्छा खासा ज़्यादा था, जिसने और ज़्यादा लोगों की जान ली थी। बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, मतलब 20 to 50 million पीपल की जान गई थी उस समय, और पूरे दुनिया में कई सारे देशों को
बहुत ज्यादा मात्रा में जानो माल का नुकसान हुआ था। सो उससे हम क्या सीख सकते हैं, क्या सीख सकते हैं कोरोना के बारे में? ऑब्वियस ही बात है, कोरोना के बारे में, कोरोना में सेकेंड वेव का पोटेंशियल है, देर इज अ चांस। अब इसको कोई भी गारंटीड नहीं बोल सकता, कोई भी इसको 100% नहीं बोल सकता है कि सेकेंड वेव आएगी ही आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है। सो कोरोना वेव सेकेंड वेव का पोटेंशियल है और हमें ये डिसाइड करना है, हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि क्या ये सेकेंड वेव अगर आती है तो हम तैयार हैं, हमारे पास में या तो, क्योंकि वैक्सीन इतनी जल्दी नहीं आने वाली, आपको ये समझना है, कोरोना वायरस की कितनी भी जल्दी कर लें वैक्सीन को आने में समय लगेगा, राइट। सो तैयारी किसको करनी है, तैयारी करनी है हेल्थ केयर सिस्टम को, तैयारी करनी है गवर्नमेंट को, तैयारी करनी है आपको, आपको तैयारी करनी है कि क्या आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, क्योंकि याद रखिए ये इबोला जैसा खतरनाक वायरस नहीं है कि जिसको हुआ वो मरेगा। इबोला में 60-70% डेथ रेट था, बर्ड फ्लू में उससे ज्यादा डेथ रेट है, बर्ड फ्लू इबोला जिसको हुआ वो गया, ये वैसा नहीं है, ठीक है। H1N1 में भी डेथ रेट अच्छा खासा था, लेकिन यहां पर जो डेथ रेट है वो वेरी कर रहा है, कभी 2% आ रहा है, कभी 3% आ रहा है, कभी 1.5% आ रहा है, सो डेथ रेट 2-3% है, और उम्र के हिसाब से ज्यादा लोगों को, हमें इसका पैटर्न समझ आ रहा है, कोरोना वायरस का पैटर्न एग्जैक्टली वैसा नहीं है, बीच के लोग, यंग लोग फिर भी सेफ हैं, लेकिन यंग लोग कैरियर बन जा रहे हैं, इसीलिए एसिम्प्टोमैटिक लोग जिनको अभी तक टेस्ट नहीं किया गया वो भी पॉजिटिव हो सकते हैं, और उनको अगर हमने खुला छोड़ दिया, जैसे चाइना में सब कुछ खोल दिया तो फिर केसेस बढ़ने लगे, तो वो खुद बीमार नहीं है लेकिन वो लोगों को बीमार करेंगे, वो लोगों को बीमार करेंगे, और वो फिर जिस ओल्ड एज में कॉम्प्रोमाइज लोगों के पास वायरस जाएगा वो इंसान की जान जा सकती है। सो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप समझना है वो ट्रांसमिशन का है, जो आपको समझना है, यहाँ तीन स्टेप्स हैं। नंबर वन स्टेप है कि ट्रांसमिशन को रोको, उसमें आपका मेरा रोल है, आपका और मेरा हम सब का रोल है कि हम समझें कि ट्रांसमिट हो कैसे रहा है। अगर एक पर्सन एसिम्प्टोमैटिक है, उसको खांसी नहीं है, उसको जुकाम नहीं है, उसको कफ नहीं है, कोल्ड नहीं है, स्नीज नहीं है, तो वो छींकेगा नहीं, खांसेगा नहीं, तो फैलाएगा कैसे, लोगों को लगे फैला नहीं सकता, फैला सकता है, क्योंकि जब आप बात भी कर रहे हो तब भी थोड़े बहुत ड्रॉपलेट्स बाहर गिरते हैं। सो एक वेरी क्लोज कॉन्टैक्ट, एक पर्सन से जब हम बात कर रहे हैं हम डायरेक्ट उस पर्सन को दे सकते हैं, लेकिन एक रूम में है तो पूरे रूम को नहीं दे सकते। तो हमको क्या देखना है कि हमें इस टाइम पर हर एक से दूरी बना के रखनी है, हमें इस समय पे जब ये तक चीज चल रही है, हमें हमेशा जब भी हो, अगर हम घर पे नहीं है अपने खुद के क्लोज्ड एनवायरमेंट में, तो मास्क पहनना है। जी हाँ, अब वो समय आ गया है कि मास्क पहनना, घर के अंदर अपने कमरे में अकेले हो तो जरूरत नहीं है, लेकिन मास्क पहनना होगा, आपको प्रिकॉशन रखने पड़ेंगे, बात करनी है मास्क पहन के करो, राइट। और ये फर्स्ट प्रिकॉशन, और सेकंड तरीका होता है जब आप मुंह हाथ नाक को कहीं का हाथ लगा के फिर कोई चीज को हाथ लगाते हैं और वो चीज कोई और हाथ लगाता है तो वो फैला देता है। इस दो चीज को अवॉइड करना होगा, सैनिटाइजर रखना होगा और चीजों को सैनिटाइज करना होगा, ढूंढना होगा कि हाँ भाई मैं मोबाइल को हाथ लगाया, मैं इसको सैनिटाइज कर दूं, मैं उसको सैनिटाइज कर दूं, हाथ को सैनिटाइज कर दूं बीच बीच में। अगर आप अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर यूज करेंगे तो हाथ ड्राई हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें, वो अलग, उसका अलग कॉन्सेप्ट है। बट देन फर्स्ट स्टेप इज ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करना है, सेकेंड स्टेप इज अपनी अर्थव्यवस्था को सही करना है कि एक भी केस मिलता है तो उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी है, तुम कहाँ से आए, तुम कहाँ गए थे, किस किस से मिले थे, उन सब की टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। ये गवर्नमेंट का काम है, ये सिस्टम बनाना होगा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का, अगर वो नहीं करेंगे तो सेकेंड वेव रोक नहीं पाएंगे, फिर फैल सकती है, लॉकडाउन फिर खोल ही नहीं पाएंगे ऐसा होगा तो। और थर्ड होगा कि जो भी पॉजिटिव है उसके ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल बने, सॉलिड प्रोटोकॉल बने, सॉलिड सही दवाई हो, सही पता हो कि क्या करना है, हर एक का माइंड क्लियर हो। अभी तो डॉक्टरों को समझ में नहीं आता करना क्या है, करना नहीं क्या है, क्योंकि कुछ क्लियरिटी नहीं है, अभी तक तो नहीं है। ऑल्दो प्रोटोकॉल्स आर बन रहे हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स बन गए हैं, कुछ बनेंगे, लेकिन अभी दुनिया भर में, इंडिया भर में हर डॉक्टर को क्लियरिटी नहीं है कि उनको क्या करना है।
उसको क्लियरिटी जरूर है कि जो डॉक्टर कोविड ड्यूटी कर रहा है अलग से, उसको पता है हाँ मुझे क्या करना है, लेकिन एक डॉक्टर जो अपने घर में है उसको नहीं पता कि मैं ओपीडी खोलूंगा तो क्या होगा, वो मेरे पास पेशेंट आ गया खास दिया तो मेरा क्या होगा, मैं लोगों को फैलाऊंगा तो मुझे क्या होगा। सो एजुकेशन इज मस्ट राइट नाउ, द गवर्नमेंट, एवरीबॉडी शुड बी एजुकेटेड ऑन नेशनल टेलीविजन फॉर द सेकेंड वेव प्रिपरेशन। आई नहीं आई भगवान की मर्जी, लेकिन हमें तो तैयारी करनी पड़ेगी। सेकेंड वेव ना आए बहुत अच्छा, लॉकडाउन खुलने के बाद पता चलेगा, अभी भी नंबर्स बढ़ रहे हैं, याद रखिए अभी तो फर्स्ट वेव ही खत्म नहीं हुई, सेकेंड वेव तो बाद की बात है, लेकिन फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव की तैयारी करनी पड़ेगी, आपको भी हमें भी। सो ये हुई बात सेकेंड वेव की। So hope you like the video, please do like, share and subscribe. Thank you so much.